नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आप इस नुस्खे का सेवन सिर्फ लगातार 4 दिन कर लेते हैं तो 4 दिन के सेवन से ही आपके शरीर के अंदर इतनी ताकत भर देगा ये नुस्खा, 80 साल का बूढ़ा भी कबड्डी खेलेगा। दोस्तों ज्वाइंट पेन और हड्डियों की कमजोरी तो मान लो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए भी महज 2 चीज़ों की आवश्यकता है। 2 के बाद आपको इसमें एक तीसरी चीज मिक्स करनी है और आपका नुस्खा रेडी हो जाएगा। और दोस्तों आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस नुस्खे से कर सकते हैं। जैसे यदि आपको खून की कमी की समस्या है और आपको खून की कमी रहती है, एनीमिया की समस्या है, तो उसका भी आप इलाज कर सकते हैं। खून को साफ कर सकते हैं, खून को गाढ़ा होने से बचा सकते हैं, खून को पतला कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी कब्ज पेट के रोगों के लिए काल की तरह काम करेगा, कब्ज हो, एसिडिटी हो या पेट में गैस हो। दोस्तों इन सब का इससे अचूक इलाज कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की समस्या है और डायबिटीज के कारण क्या है कि पेट के रोग बहुत अधिक हो जाते हैं, उनको बवासीर की समस्या भी, किडनी की समस्याएं हो जाती हैं, पेट की खराबी तो होती ही रहती है, तो उनकी ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी ये नुस्खा हेल्प करेगा। दिल की बीमारी से बचाने के लिए भी बहुत अधिक कारगर है। दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करने का काम करेगा, जिससे कि आपका जो हार्ट ब्लॉकेज आपको नहीं होगी और आप दिल की बीमारियों से बच रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये नुस्खा आपकी इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है और आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है। आपकी इम्यून पावर रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों इतना कारगर और इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। दोस्तों इस नुस्खे के सेवन से आप बवासीर जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बवासीर के रोग से बचे रह सकते हैं, अपने जोड़ों या घुटनों के दर्द की समस्या का इलाज कर सकते हैं। यानी बहुत अधिक कारगर नुस्खा है और दोस्तों इसको बनाने में भी महज आपकी 2 मिनट लगेंगे। और इसके लिए जो पहली सामग्री आपको चाहिए दोस्तों, वो चाहिए जीरा। दोस्तों जीरे के फायदे कौन नहीं जानता, आपके घर में भी ये जीरा मिल जाएगा, आपकी किचन में जरूर रखा होगा। दोस्तों जीरा एक महत्वपूर्ण मसाला है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक कारगर है। आपको एसिडिटी का इलाज करना हो, पाचन को सही करना हो, लीवर की बीमारियों से छुटकारा पाना हो, तो दोस्तों जीरा एक कारगर औषधि है। यदि आपको मोटापे को भी कंट्रोल करना हो, मोटापे का इलाज करना हो, तब भी दोस्तों ये जीरा बहुत अधिक कारगर है, खून बढ़ाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों ये आपको एक जीरा लेना है 1 चम्मच। जो दूसरी इसके लिए आपको सामग्री चाहिए दोस्तों, वो चाहिए ये अजवाइन। और दोस्तों अजवाइन को पेट के रोगों के लिए महाऔषधि की तरह काउंट किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कोई भी पेट का या पाचन से जुड़ा रोग है या आपको पाचन मजबूत करना है, तब आपको इस अजवाइन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये अजवाइन बहुत अधिक कारगर है। दोस्तों इस अजवाइन में ऐसे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कैल्शियम हो, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है, अपने शरीर की कमजोरी का इलाज कैसे करना है, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की कमजोरी को कैसे जड़ से खत्म करना है और अपने शरीर को निरोगी कैसे बनाना है। दोस्तों जैसे कि ये हमने लिया है, आप 1 चम्मच अजवाइन का लीजिए छोटा और 1 चम्मच लीजिए जीरे का, यानी आपने इनका दोनों का 1-1 चम्मच लेना है, जैसे कि ये मैंने ले लिया। और दोस्तों आपने इसको, इस जीरे और अजवाइन को मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेना है, इसको काला या पीला नहीं करना है, पर अच्छी तरह से सेक लेना है, जिससे कि ये आपको कड़वा ना लगे। यदि आप कच्चा इसका सेवन करेंगे तब आपको ये कड़वा लगेगा। दोस्तों अब ये आपने यहाँ तक कर लिया, अब चलिए यहाँ से आगे आपको बताते हैं कि आपने आगे कैसे बनाना है। जैसे आप एक कटोरी लें और इस कटोरी में इसको जीरे को डाल लें, जैसे कि जितना आप सेवन करना चाहते हैं। आपको 1 चम्मच लेना है इसका सुबह खाली पेट। और इसको कैसे लेना है दोस्तों, इसमें आपने शहद को मिक्स करना है, जैसे कि मैं इसमें ये शहद डाल रहा हूँ। बस बस ये इतना आपका शहद, इसमें थोड़ा सा जीरा मैं और मिक्स कर लेता हूँ, जीरा और अजवाइन, और आपने इसको मिक्स कर लेना है दोस्तों, और ये आपका नुस्खा रेडी है। ये दोस्तों
आप इसको ऐसे सुबह खाली पेट चबाकर सेवन कीजिए। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ज्वाइंट पेन और हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो 80 साल का बूढ़ा है ना, वो चल फिर भी नहीं सकता, वो भी दोस्तों कबड्डी खेलेगा। इतना चमत्कारी, इतना कारगर है ये नुस्खा। आप इसको ऐसे अंगली की सहायता से भी चाट कर खा सकते हैं, बहुत अधिक चमत्कारी है। और दोस्तों आप इसके जो फायदे आपको मिलेंगे ना, आप उन्हें देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इस छोटे से नुस्खे के इतने सारे फायदे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का सेवन करें और अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर दें। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप अपनी सेहत के लिए फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि दोस्तों हेल्थ ही वेल्थ है। धन्यवाद दोस्तों।